विधानसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में गोड्डा विधानसभा में 20 दिसंबर को मत डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार की समय सीमा 18 दिसंबर यानी कि कल तक निर्धारित थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। उसके बाद प्रत्याशियों के द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी गई थी, उसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कल बीती रात जहां भाजपा और राजद के प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान आमने सामने हो गए, वहीं वर्तमान विधायक भाजपा के गोड्डा विधानसभा प्रत्याशी अमित मंडल ने महागठबंधन के राजद पार्टी के प्रत्याशी संजय यादव पर मारपीट और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। क्या आतंक लगा हुआ है? ये लाठी लगे देखे खड़े हो कहां पर? कहां एक भी आदमी के पास क्यों बोलता है? यहां पर लोग बोलते हैं लाठी लगे खड़े हैं यहां पर। ये लाठी लगे खड़े हैं यहां पर। रिकॉर्डिंग है इसमें, देखिए लाठी का। हां देखिए लाठी को देखो कहां लाठी गाड़ी ले जाएगा, गाड़ी ले जाएगा, स्थिर हो जाए। बीजेपी का गुंडा, हाँ बीजेपी का गुंडा। आयोग नहीं आएगा, नहीं लगा। हाँ पूरा पूरा घर के पैसा सप्लाई हो रहा है। जांच कराइए, ठीक है ठीक है। वो घर के किया ना जाए ना, वो घर 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 का वही है नहीं ना ना घर में थे, वो घर खुलेगा। सियाराम भगत भी चल रहा है, पांच गाड़ी लेके ये गाड़ी कौन बैठा? अभी तो रोड पर भी गाड़ी कौन बैठा? इसमें निकलवाइए अपना गाड़ी पार होने नहीं दे रहे थे अभी तो। गंदा काम मत करो ना। हेलो एसपी साहब, मैं अमित वंडर बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे संजय यादव जी साहब ने घेर लिया तड़िया में, तुरंत भोज हम लोगों को पूरी तरह से घेर लिया है और हम लोगों को यहाँ धमका दे रहा है, मार देंगे पीट देंगे। तड़िया में हम लोग हैं यहाँ। अब सेफ कैसे है? वीडियो भी है प्रूफ में, इसीलिए इतना मार पीट रहा है। पढ़े लिखे विधायक है हमारे, करने का तमीज नहीं है। आप देखिए ना भैया, किसी ने गाड़ी देखिए पीछे से क्या बोला? वो क्या बोला? हाथ में रुपया बांटोगे क्या करेगा? वो क्या बोला? तुम जनता को खरीदना चाहते हो? कौन सा रुपया? कहाँ है रुपया? दिखाइए ना, कहाँ है रुपया? अभी घर से, अभी घर से निकलेगा ना, निकाल लेना जा रहा है। गाड़ी पे नहीं हो रहा है, सामने खड़े थे ना गाड़ी के, फायरिंग करवाएंगे ना। किसने बोला फायरिंग? आपने बोला, आपने बोला कि लड़ाई उसके घर में घुसावा देखा। वहीं सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल इस वीडियो में अमित मंडल उत्तेजित दिख रहे हैं और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों का खंडन करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी संजय यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने पक्ष को रखा और सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अमित मंडल पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक की गाड़ी पुलिस जाँच तक नहीं करती और प्रचार खत्म होने के बाद भी अमित मंडल 10 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे हैं, जो साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैं चुनाव आयोग को लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत करूंगा। विधायक पहले से ही आरोप लगा रहा है, उसकी विधायक हताश हो गया। जनता ने जिस तरह से हमारे मालिकों ने उनको हर जगह टॉर्चरिंग किया और कहा कि बीजेपी को वोट इस बार नहीं देंगे और कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दिया, कुर्सी खींच लिया, कहीं माइक खींच लिया, कहीं कुछ कर लिया, और इसी मालिक को कहता है कि क्रिमिनल चोर डकैत और मैं जीतूंगा तो जो है जेल में सड़ा दूंगा। तो ये जान लीजिए कि हम लोग कार्यकर्ता के साथ, चूंकि अंतिम दिन हो गया, चुनाव प्रचार बंद हो गया, वोटर लिस्ट बांटना था, हमने मीटिंग कर रहा था, हमें पता चला कि दोगुनी स्थान तरफ से 10 गाड़ी के काफला के साथ पथरगामा की तरफ विधायक बढ़े हैं और उस गाड़ी में बोरा में रुपया है और सब जगह बांट रहा है। तो हम बोले चले हम भी पीछे लग जाएं,
भाई कहाँ रुपया बांट रहा देखे, कम से कम वीडियो तो कर सकते। तो जब पथरगावा गए हम, पथरगावा में चेक हो रहा था, वहां पे जो मजिस्ट्रेट थे, जो इंचार्ज थे पुलिस अफसर में, हमारी गाड़ी को भी रोका, हमने गाड़ी रोक दी, हमारी गाड़ी को चेक किया। लेकिन हम उन लोगों से पूछे कि क्या हमारे आखिर जो गाड़ी गई, जो 10 गाड़ी की काफला, आपने उसको भी चेक किया क्या? बोला वो विधायक की गाड़ी थी। तो क्या वो आज विधायक है? और विधायक के लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून? बोले ठीक है। हमने फिर आगे बढ़ गए, और जब आगे बढ़े और जब तरिया गांव पहुंचे तो वहां पता चला ग्रामीणों ने जो है घेर के विधायक को रखा है, और एक ही क्वेश्चन कर रहा था कि आपका बॉडीगार्ड कहां गया, वो बोरा जो रुपया जिस घर में रखे वो बोरा निकाली, बोरा में क्या है हम लोग देखना चाहते हैं। बार बार लोगों ने कहा, पर वो करके बोला कि भाई आप जो है निकालिए उस जो है, और आपका बॉडीगार्ड है कहां? ना तो तब तक प्रशासन की गाड़ी भी पहुंचा, हमारे पहुंचने के बाद प्रशासन को भी बोला गया, लेकिन कोई प्रशासन उस रूम में नहीं घुसा, ना उनके घर में घुसा। और उसके बाद जब SDPO पहुंचता है यहां से, तब तक उसका काफी संख्या में बीजेपी का लोग गाड़ी ले लेकर पहुंच गया और एक मजमा बनाने लगा, और विधायक जिस तरह नचंजिया की तरह नाचने लगा, जिस तरह मेरे ऊपर प्रभोग किया, गाली गलौज किया, लेकिन हम और हमारे महान जनता ने बड़ी सहनता पूर्वक हम लोग सुनते रहे, उसका एक भी बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम जान रहे थे वो क्या करना चाहता था, ये हमको पता था पूर्व से उनकी प्लानिंग को। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य के पदाधिकारी पे, हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि पूरा वीडियो देख करके और जो है उस पर तुरंत कार्रवाई करे और निष्पक्ष चुनाव कराए, इस तरह से पैसे का खेल नहीं करे। देखिए लोकतंत्र की हत्या देश के महान जनता ने जान चुका है, लोकतंत्र की हत्या किसने कर रहा है, ये सारी बात है। रुपया देते कौन पकड़ा रहा है, साड़ी बांटते कौन पकड़ा रहा है, गैस सिलेंडर बांटते कौन पकड़ा रहा है, महिला ग्रुप को जिस तरह से ब्लैकमेलिंग करके होटल में बुला के पैसा दे रहा है, सारा वीडियो वायरल आप लोग कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या बीजेपी वाला कर रहा है कि UPA वाला कर रहा है, ये तो आवाम देख रहा है ना, और उनके पास अब चारा नहीं है कुछ, ये सिर्फ पैसे का खेल छोड़ के उनके पास कोई चारा नहीं है। और यहाँ के मालिकों से, यहाँ के वोटरों से जो वो चाहता कि पैसा पर बिक जाएगा, यहाँ के मालिक पैसा पर बिकने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब जो है भी इसको देगा, तो इसका परिणाम आप देख लीजिए, सारे लोग समझ चुका है। और सारा लोकतंत्र का हत्या करने वाले तो बीजेपी में ही है, पूरे देश में देख लीजिए कितने साधु महात्मा जो है उनके जेल में, कौन कौन केस में जेल में, कितने मंत्री लोग जेल में है और किस किस केस में है, कितने विधायक है जिसको दबंग बाहुबली कहता है, क्रिमिनल बोलता है। मैंने कभी जो है यहाँ के मालिकों के साथ गलत व्यवहार नहीं किए, इन्होंने तो 3.5 साल में जो है महतो समाज को मारा, यहाँ पे आपका ब्राह्मण समुदाय को मारा, उतने ने किया, रात में हेलमेट लेके जो पकड़ाया बुलेट पर, अकेले कहाँ जा रहा था ये तो आप ही लोग जान लीजिए। दूसरा जो है 4 घंटे तक टाउन थाना में बैठा के रखा, किस कारण से बैठा के रखा? तो दबंग बाहुबली रंगबाज कौन है ये यहां से जान रहा है, चूंकि हम आज से नहीं 20 साल से राजनीति गुड्डा में कर रहे हैं, और हमें गुड्डा की आवाम जानता है, और उसी का देन है कि इस बार ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय, सारे लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि इस बार हम लोग को महागठबंधन में संजय यादव के लिए वोट कर। कोई असर पड़ने वाला नहीं है, महागठबंधन का जो हवा चला है पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में बीजेपी का सब जगह सफाया हो गया है। पहले भी चुनाव हुआ वहां भी उसका खुला खराब है। विधायक अमित मंडल और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो साजिश करने में हेडमास्टर शुरू से रहे हैं। ये लोग एक साजिश करके हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी श्री संजय यादव जी पर झूठा आरोप लगकर इनको झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, और जनता के बीच में एक सुगुफा छोड़ करके चाहते हैं कि जनता हमको वोट दे, लेकिन जनता इसके सारे क्रियाकलापों को
साढ़े तीन साल के कार्यकाल में देख चुकी है और महागठबंधन प्रत्याशी के लोकप्रियता को और भारी मतों से जीत को देखते हुए बौखला करके ये लोग चाहते हैं इन पे झूठा आरोप लद करके इन पर झूठा केस करा दें और हम लोग जो है सैंपैथी जनता का लूटे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारी मतों से महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। जनता इस सब बात को समझ चुकी है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार झा, जोनल प्रवक्ता, उपाध्यक्ष कांग्रेस।